बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने सब्जेक्ट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक्स यानी कि उसके प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे, जिनके ऊपर हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेस है। ठीक है, यानी कि जो टर्मिनोलॉजीज जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं और उनका मखसूस मीनिंग्स होते हैं, स्पेसिफिक मीनिंग्स के अंदर हम उनको लेते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आगे जो भी हम डिस्कशन करें अपने अकाउंटिंग मामलात के हवाले से, वो आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। और थोड़ा सा आज हम एक चीज़ और भी डिस्कस करेंगे कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको किस तरीके से रिकॉर्ड का एक हिस्सा बनाया जाता है। आज हम उसको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, बाकी मीनिंग जो है डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनके हम अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर इज टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू द स्टूडेंट्स एंड गिव देम एन आइडिया एज टू हाउ डिड अकाउंटिंग डेवलप। यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका मकसद क्या है कारोबार के हवाले से। ठीक है, हमारा मकसद जो है स्टूडेंट को इस काबिल बनाना है कि स्टूडेंट एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके, किसी भी कारोबार के जो मामलात हैं उनको मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, मॉडर्न जो टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए वो अपने कारोबार को के जो माली मामलात हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उनको रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, और उनसे मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सके। ठीक है, जो कारोबार की मैनेजमेंट के लिए भी यूज़फुल हो सकें और जो एक्सटर्नल बॉडीज हैं उनके लिए भी यूज़फुल हो। तो हम शुरुआत करते हैं जी कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। कहते हैं इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ डेली रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये क्या चीज़ है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जो डेली का हमारा रिकॉर्ड होता है, रोज़ाना की बेसिस के ऊपर जो हमारा रिकॉर्ड होता है, ये उसकी मेंटेनेंस है इन सच अ मैनर, उस अंदाज में दैट इट वुड हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल इंफॉर्मेशन, कि जिससे हम जो है सूटेबल इंफॉर्मेशन बना सकें, जनरेट कर सकें। ठीक है, किसके मुतल्लिक, रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस और एन इंडिविजुअल। ठीक है, किसी भी शख्स की या किसी कारोबार की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उस चीज़ को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से जज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सॉरी अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेज हैं। तो अकाउंटिंग को हम जो है बेसिकली तीन ब्रांचेज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। नंबर वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड नंबर थ्री मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि इसका जो बेसिक पर्पज़ होता है वो होता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट को जो मैनेजमेंट जो रिकॉर्ड मेंटेन करवाती है वो किस पर्पस के लिए करवाती है, ताकि बाहर की जो एक्सटर्नल जो लोग जो आपके साथ में जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपके कारोबार को समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो प्योरली इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होती है। इसके अंदर हम यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट जो हमारी किसी भी फैक्ट्री में बनाई जाती है उसकी प्रोडक्शन के हवाले से हम जानते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के हवाले से हम
मालूम करते हैं कि ये किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके ऊपर कितनी लागत हमारी आई है, ठीक है, और वो एक फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी फिर हम प्राइसिंग सेट करते हैं, जिससे फिर क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इसका थर्ड पार्ट है, इसके अंदर जो हमारी मैनेजमेंट या डायरेक्टरान जो हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट अकाउंटिंग से फ़ायदा उठाते हुए वो डिसीजंस लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने कारोबार को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर है जी यूजर्स ग्रुप। यूजर्स ग्रुप क्या चीज़ होती है? यूजर्स ग्रुप होता है कि कौन लोग हैं जो इस मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी अकाउंटिंग है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि कौन लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये हमारे उनके कुछ हमने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके मैंने नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग जिन्होंने आपके कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है, पैसा इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है, आपके कारोबार में सरमायाकारी की होती है। सेकेंड लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग लेंडर्स जिनको हम बोलते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने कारोबार को किसी भी शक्ल में लोन दिया होता है, जिनको कारोबार ने पैसे अदा करने होते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज ये इस वजह से इंटरेस्टेड होते हैं कि इन्होंने टैक्सेस वगैरह लेने होते हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनको भी मालूमात प्रोवाइड करती है। सप्लायर्स वो लोग जो कारोबार में मटेरियल या सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और फॉर ट्रेडिंग और समथिंग एल्स पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से फ़ायदा उठाती है। मुख्तलिफ किस्म का जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जिसके अंदर जर्नल्स बनते हैं, लेजर्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनते हैं या और मुख्तलिफ किस्म की जो रिपोर्ट्स बनती हैं, उनसे मैनेजमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है, और फिर उसको उसकी बेस के ऊपर डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से एम्प्लॉयज जो है वो किसी भी कारोबार के अंदर जो है जिनको हमने स्पेसिफिकली अपॉइंट किया होता है उनको सहूलत मिलती है, और वो इसकी मदद से मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट करने के काबिल होते हैं, ठीक है। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन लोग यूज़ करते हैं? ये प्योरली जो होती है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होती है। इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर्स आ जाते हैं, डायरेक्टर्स आ जाते हैं, चेयरपर्सन आ जाते हैं, या और भी जो भी ऐसे लोग के जो डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा होते हैं उनको हम उनके लिए ये कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ में आती है, ठीक है। इसके अंदर जो है हम अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालते हैं, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, और फिर बजट बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्लानिंग टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जिससे कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो भी आपको अपना डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल में आती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा अपनी ब्रांचेस को जो है अकाउंटिंग की ब्रांचेस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इनकी जो ब्रांचेस हैं इनके हवाले से आज अभी हम थोड़ी सी इनकी डेफिनेशंस के ऊपर जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शंस फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, ठीक है। सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो क्या चीज़ होती है कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, ठीक है, और ये जो रिकॉर्डिंग का फेज है इसको हम अकाउंटिंग की टर्म्स के अंदर जर्नल का नाम देते हैं। इसको जनरल जर्नल भी कहा जाता है, ठीक है, और सिंपल जर्नल भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो क्या है? क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन।
ये जो जर्नल के अंदर हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर इन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। हर एक अकाउंट का अलग-अलग एक हेड बनाया जाता है, जिसको हम जो है अकाउंटिंग के अंदर लेजर का नाम देते हैं। फिर इन तमाम जर्नल एंट्रीज से क्लासिफिकेशन करने के बाद हम उन चीज़ों को समराइज करते हैं, एक समरी तैयार करते हैं, जिधर वो ब्रीफ एक समरी बन जाती है, जिससे हम फिर पूरे एक मंथ का या पूरे अपना फाइनेंशियल ईयर का हम एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, ठीक है। और उस ट्रायल बैलेंस से मज़ीद फिर रिपोर्ट्स जो हैं, फर्दर रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, जिसके अंदर बैलेंस शीट आ जाती है, और फिर इन तमाम रिपोर्ट्स की आगे इंटरप्रटेशन आ जाती हैं, जिसके अंदर फिर नोट्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रेशियोज निकाली जाती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लानिंग के टूल्स वगैरह भी इसके अंदर जो है मेथड्स जो है डेप्रिसिएशन और मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मकसद है जी? डील्स विद असर्टेनमेंट, मेजरमेंट, एक्युमुलेशन, बजटिंग एंड एवेल्युएशन, ठीक है। कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द आइडेंटिटी, यानी कि इसका सबसे पहला क्या चीज काम है जी, कि असर्टेनमेंट, ठीक है, कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है कि असर्टेन करती है, मेजर करती है, पमाइश करना किसी चीज़ की, कैलकुलेशन निकालना, ठीक है, और फिर उन तमाम कैलकुलेशंस को एक्यूमुलेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और फिर उसको बजटिंग बनाना, प्लान किए बनाए जाते हैं, सालाना जो है गवर्नमेंट की एजेंसीज में भी बनते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी बनते हैं, पब्लिक सेक्टर्स जो कंपनीज होती हैं उन सब में ये चीज़ें जो है वो अडॉप्ट की जाती हैं। फिर एवेल्युएट किया जाता है इन सारी चीज़ों की बेस के ऊपर जो है, और मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्टिंग टूल्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, डील्स विद डिसीजंस रिलेटिंग टू द जनरेशन एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी, ठीक है, कि इसकी बेस ये किन चीज़ों के ऊपर बेस करती है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर बेस करती है, ठीक है, और इन दोनों की इंफॉर्मेशन को लेते हुए मैनेजमेंट जो होती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डिसीजन लेती है, ठीक है, और जिसकी बेस के ऊपर जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम लेवल के ऊपर यूटिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो है इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स जो है कारोबार के अंदर मुख्तलिफ किस्म की, सॉरी अकाउंटिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। अभी हम उन्हीं को थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर भी कारोबार की मुख्तलिफ शक्लों को आपने डिस्कस किया होगा, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो हम आप बिजनेस कहीं आपने पढ़ा होगा तो वो पढ़ा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है कि ऐसा कारोबार जिसको एक शख्स जो है जिसका ऑनर होता है और वो उसको रन करता है, उसको हम कहते हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में वाहद मलकीती कारोबार भी बोल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद पार्टनरशिप आ जाता है। पार्टनरशिप क्या है? पाकिस्तान के अंदर पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो है ये कारोबार जो है वो चलाया जाता है, ठीक है। और ये दो, जब दो या दो से ज़ायद आदमी मिलकर कोई कारोबार चलाते हैं, ठीक है, कारोबार रन करते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप की शक्ल में जो है वो देते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर आ जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत जो है वो जो कारोबार आपका इस्टेब्लिश होता है उसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहते हैं। इसके अंदर पब्लिक कंपनी भी आ जाती हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी आ जाती हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल, इनके फ़ायदे, इनके नुकसान और इनकी करेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने
इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर पढ़ी होंगी, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आ जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मकसद जो होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिनका मकसद जो है वो सिर्फ फलाह बहबूद होता है। अब चूंकि यहाँ पर भी पैसे की इनके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट होती है, वहाँ पर भी फाइनेंशियल मामला चलते हैं, वाली मामला उनके भी होते हैं, तो वहाँ पर भी अकाउंटिंग जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। अब वहाँ पर किस तरह की अकाउंटिंग इस्तेमाल की जाती है वो आगे जाके हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी टर्म आ जाती है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इन अकाउंटिंग द एक्सपेंसेस दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स इमीडिएटली, ठीक है ना, इमीडिएटली, यानी कि किसी भी कारोबार में ऐसी ऐसे जो खर्चे जिनका फायदा आप फौरी तौर पर उठाते हैं उनको हम जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मसलन कोई स्टाफ को आपने सैलरी दी, बिजली का बिल अदा किया, रेंट पे किया या वेजेस मजदूरी वगैरह अदा की, ये सारे जितने भी हैं ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस में शुमार होते हैं। एंड दोज एक्सपेंसेस होज बेनिफिट्स लास्ट फॉर लॉन्गर आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऐसे जो एक्सपेंडिचर जिनका फायदा जो है वो लंबे पीरियड के लिए होता है, ठीक है, जिनका फायदा हमने 2-4 साल 10 साल में उठाना होता है उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इनकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आ जाती है मनी वैल्यू ऑफ टाइम। ये क्या चीज होती है कि हर टाइम की जब एक ऑनर जो है या मैनेजमेंट कोई भी अगर कारोबार को टाइम देता है तो उसकी एक उसकी उसको हम मनी वैल्यू उसकी उसको ट्रीट करते हैं, यानी कि उसको टाइम उसका जो पे जो वो दे रहा होता है उसके बदले में रेम्यूनरेशन उसको पे किया जाता है। मालिक अगर कारोबार को कोई टाइम दे रहा है तो उसको हम रेम्यूनरेशन पे करेंगे, अगर कोई मैनेजमेंट या कोई स्टाफ या कोई और को टाइम देता है तो उनको हम सैलरी या इस तरह की शेप के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गुडविल आ जाता है। गुडविल मीन गुड रेपुटेशन, ठीक है, यानी कि आप कारोबार आपका जो एक मुख एक ईयर्स ऑफ स्पैन पीरियड के ऊपर जो है जब आपने एक कारोबार को रन किया हुआ होता है और उसके अंदर आपने अपनी गुड एंड क्लीन कंडक्ट ऑफ बिजनेस अगर आपका रहा होता है उसकी बेस के ऊपर आपकी कारोबारी साख डेवलप जो होती है, लोग आपके ऊपर एतमाद करते हैं, लोग आपके कारोबार के ऊपर जो है उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं गुडविल। अब इस गुडविल की भी एक ख़ास जो है वैल्यू होती है, ठीक है, तो जिसको हम जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते वक्त इन चीज़ों को भी हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है? ऐसी अकाउंटिंग जिसके अंदर जो है इट इज़ द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच इवेंट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअल कैश चेक इज रिसीव्ड और पेड, ठीक है, कि उस जिसके अंदर हम किसी भी इवेंट को उस टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं कि जब उसके अंदर एक्चुअल कैश या चेक जो है वो पे कर दिया जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली कैश से मसलन क्या चीज़ है कि आपने एक सर्विस ले ली या दे दी या चीज़ परचेज कर ली या चीज़ आपने फरोख्त कर दी, जब तक आप उसकी पेमेंट करेंगे नहीं या आप रिसीव नहीं करेंगे आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते। नॉर्मली इस तरह की अकाउंटिंग आजकल पाई नहीं जाती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक दुकानदार छोटे से छोटा एक छाबड़ी वाला भी जो होता है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो उधार कहीं ना कहीं उसको भी करने का वो मिल जाता है, और जो उधार होता है उसकी कोशिश होती है उसको हर सूरत में वो रिकॉर्ड करे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अक्रूवल अकाउंटिंग। अक्रूवल अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है? इट इज़ द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर। इसके अंदर इवेंट्स को हम
कब रिकॉर्ड करते हैं कि जैसे ही वो जो है ना एज एंड व्हेन दे अकर, जैसे ही वो वकूअ पज़ीर हो जाते हैं, जैसे ही कोई काम सरजद हो जाता है, जैसे ही कोई एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो फिर हम उस चीज़ को जो है क्या नाम है रिकॉर्ड कर लेते हैं फौरी तौर पर, चाहे उसकी पेमेंट हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट आ जाता है इनकम। इनकम इज द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ बिजनेस चार्जेस फॉर इट्स कस्टमर। ये क्या चीज़ होती है? ये वैल्यू है गुड्स की या सर्विसेज की, जिसको जो है कस्टमर से हम चार्ज करते हैं, ठीक है, और इसको हम इनकम ट्रीट करते हैं। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। ये कॉस्ट होती है, और ऐसी कॉस्ट होती है जिसका आपने फायदा उठा चुके होते हैं। देखिए, दो टर्म्स आएंगी, एक कॉस्ट है, एक एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस वो चीज़ होती है कि जिस चीज़ का आपने फायदा उठा लिया है। कॉस्ट हम वो चीज़ ट्रीट करते हैं जिसका आपने खर्चा तो कर दिया लेकिन अभी फायदा नहीं उठाया। तो एक्सपेंस आउट जो चीज़ हो जाती है उससे मुराद ये चीज़ होती है कि आपने उसका फायदा उठा लिया है, ठीक है। तो इनकर टू अर्न रेवेन्यू, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए खर्च किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। नेट इनकम और नेट प्रॉफिट इज द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है कि ये ऐसी अमाउंट होती है कि जो जब आप इनकम जो आपके आपकी आमदन है उसमें से जब आप एक्सपेंसेस करने के बाद जो आपको मुनाफा होता है प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कंसीडर करते हैं। अब इसके इसको चीज़ को हम जो है जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, फिर नेट प्रॉफिट आता है, फिर इस तरह और भी इसमें चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम डिटेल से फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज आर द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि कारोबार के जो भी वाजबात होते हैं उनको हम जो है लाइबिलिटीज कंसीडर करते हैं। अब इसके अंदर जो है दो तरह की लाइबिलिटीज आ जाती हैं कारोबार के हवाले से, एक आती है इंटरनल लाइबिलिटीज, दूसरी होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं कि ऐसी लाइबिलिटीज जो कि इंटरनल यानी कि ऑनर मालिक वगैरह की तरफ से जो कारोबार को कोई रकम दी जाती है, इन्वेस्टमेंट जो की शक्ल में आ जाती है या वो किसी भी फॉर्म में आती है, तो उसको हम जो है वो इंटरनल लाइबिलिटीज बोल देते हैं। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी लाइबिलिटीज जो बाहर के लोगों से आपने लोन या इस तरह की शक्ल में जो चीज़ें आपने उनको पे करनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एसेट्स। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैविंग सर्टन वैल्यू, यानी कि ये क्या चीज़ होती है? ये इकोनॉमिक के रिसोर्सेज होते हैं हमारे कारोबार के लिए, और उनकी एक खास वैल्यू होती है जिसको ऑन करता है बिजनेस, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक खास डेट के ऊपर जो है, एंड विच आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट टू द फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। के एसेट्स क्या चीज़ है कि ऐसा ऐसा कह ले के मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग या कोई भी ऐसी असासा जो कारोबार की मलकियत में हो और उसने कारोबार को फ्यूचर में फ़ायदा देना हो, जिसको हम जो है फ़ायदा लेने की गर्ज से जो हम खरीद लेते हैं या अपने पास रखते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं एसेट्स। है ये हमारा प्रॉपर्टीज एंड पोसेशन कैन बी टू टाइप्स, इसकी दो अकसाम होती हैं, एक होती है टेंजिबल, दूसरी होती है इनटेंजिबल, ठीक है। तो टेंजिबल कौन से होते हैं? जो जो अपनी फिजिकल एक्जिस्टेंस रखते हैं, मसलन बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी और एक्सेट्रा वगैरह। और इनटेंजिबल कौन से होते हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है, और जस्ट वो आप उनको महसूस कर सकते हैं, जैसे आपकी गुडविल है,
अब गुडविल आपकी अच्छी शोहरत जो है वो आपको दिखाई नहीं देती है, सिर्फ आप महसूस करते हैं कि कितने के लोग जो है ना वो आपके आपके बारे में अच्छा अच्छी राय रखते हैं। ठीक है, गुड्स और मर्चेंडाइज ये क्या चीज़ होती है? इट रेफर्स टू समथिंग विच इज परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन द बिजनेस फॉर सेलिंग और रीसेलिंग पर्पस। ठीक है, यानी कि इट रेफर्स टू समथिंग कि ऐसी चीज जो आप परचेज करते हैं या बनाते हैं, ठीक है, इन द बिजनेस फॉर सेलिंग, बेचने की गर्ज से, या एक दफ़ा आपने खरीद लिया फिर उसको दोबारा बेचने की, एक दफ़ा बेचा फिर उसके बाद कुछ इस तरह का रीसेलिंग उसकी दोबारा हुई, ठीक है ना, खरीदा और फिर बेचा, तो उस चीज़ को फिर हम कहते हैं कि ये हमारे लिए गुड्स है, बिजनेस के लिए गुड्स है, या मर्चेंडाइज में इनको कह दिया जाता है। परचेजेस, परचेजेस क्या चीज़ होती है? व्हेन सेलेबल गुड्स बॉट इन अ बिजनेस, ऐसी चीजें जो बेचने की गर्ज से आपने खरीदी होती हैं उनको हम परचेजेस का नाम देते हैं। इट इज सेड दैट परचेजेस हैज बीन मेड, दी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, और अकाउंट परचेजेस ऑन अकाउंट भी कह दिया जाता है कि एक तो इसमें नकद परचेज आ जाती है, दूसरी ऐसी परचेज जो आपने उधार के ऊपर की होती है। फिर परचेजेस रिटर्न आ जाती है कि जब आपने कोई खरीदी हुई चीज़ वापस करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी परचेजेस रिटर्न है। ठीक है, और इसको हम रिटर्न आउटवर्ड का नाम भी दे देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है परचेजेस डिस्काउंट एंड सेल्स डिस्काउंट। आपने चीज़ कोई खरीदी और उसके ऊपर अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है, कोई रियायत मिलती है, कोई कंसेशन मिलती है अपने क्रेडिटर्स की तरफ से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि परचेजेस डिस्काउंट है। ठीक है, ये आपके लिए एक इनकम होती है बेसिकली। और सेल्स डिस्काउंट क्या चीज़ है कि ऐसा डिस्काउंट के जो आपको अपने कस्टमर्स को आप देते हैं, ठीक है, यानी कि कोई रायत को कंसेशन जब आप अपने कस्टमर को देते हैं तो ये आपके लिए सेल्स डिस्काउंट कहलाता है, जो आपके लिए एक खर्चा की बायस होता है बेसिकली। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स क्या चीज है? व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर ऑन अ स्पेसिफिक प्राइस दैट इज कॉल्ड अ सेल। ठीक है, जब आपने जो चीज़ें परचेज की थी बेचने की गरज से, ठीक है, या जो बनाई और उनको बेचा, ठीक है, प्रॉफिट की गरज से, तो उस चीज़ को हम जो है गुड्स को, मर्चेंडाइज को जो बेची होती हैं उनको हम फिर ट्रीट करते हैं कि ये हमारी सेल है। ठीक है, एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, एक खास कीमत के ऊपर जब आप चीज़ों को बेचते हैं तो वो आपके लिए सेल्स होती है। अब इसके अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आती है कैश सेल और दूसरी आती है क्रेडिट सेल। ठीक है, कैश सेल नकद जब आप कोई चीज़ बेचते हैं और क्रेडिट सेल उधार जब आप कोई चीज़ बेचते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। कोई बेची हुई चीज़ अगर आपके पास वापसी आ जाती है, कस्टमर कोई सेटिस्फाइड नहीं होता या चीज़ ख़राब निकल आती है और वो वापसी आती है, तो वो आपके लिए सेल्स रिटर्न होगी और रिटर्न्स इनवर्ड कहलाएगी। ठीक है, ये जो सेल्स रिटर्न होती है ये बेसिकली आपके लिए एक खर्चे का, यानी कि आपकी इनकम जो होती है वो आपकी एक तरह से डिक्रीज हो जाती है। पहले आपने जब सेल की तो आपकी इनकम बढ़ी, आपको इनकम हुई, और जब वो वापसी चली जाती है तो इसका मतलब जो पैसे आपके पास आए थे वो समझ लें आपने वो उस चीज़ को वो ख़त्म हो गए। ठीक है, अब वो आपकी दोबारा वो गुड्स की शक्ल में आपके पास वापसी आ गया। ट्रेड डिस्काउंट क्या चीज़ है? एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स मैन्युफैक्चरर और होलसेलर अलाउज रिटेलर्स अ स्पेसिफिक कंसेशन। ठीक है, कि जब एक मैन्युफैक्चरर या होलसेलर अपनी लिस्ट प्राइस में या कैटलॉग प्राइस में कमी करते हुए कोई चीज़ जो है अमाउंट जो है वो कीमत जो है वो लेस कर दे,
और कम कीमत के ऊपर कोई चीज़ दे दे किसी को, चाहे वो दें या लें, तो उस चीज़ को हम ट्रेड डिस्काउंट का नाम देते हैं। अब ये जो इस तरह का जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसको हम नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हम एक फ़र्ज़ करें 30 या 40 हज़ार रुपये की अगर कोई चीज़ है, तो हम उसकी 5% या 10% उसमें से 3,000 या 4-5,000 उसमें से लेस कर देते हैं, और तो फिर हम क्या करते हैं उसकी रिमेनिंग अमाउंट की ट्रांजैक्शन पास कर देते हैं। तो इस तरह ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हमारी बुक्स के अंदर नज़र नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट, डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल। डेटर्स कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं, यानी कि जिनको आपने उधार चीज़ें बेची होती हैं और उनसे आपने पैसे लेने होते हैं, उनको हम बोलते हैं ये हमारे डेटर्स हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स और अकाउंट पेबल कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग, ऐसे जो इंडिविजुअल्स या कारोबारी हजरात जिनको आपने पेमेंट देनी होती है, ठीक है, और इनसे हमने चीज़ें उधार खरीदी होती हैं, तो या किसी और मामलात में भी ऐसे हो जाता है कि कोई चीज़ आपने इनकी पेमेंट जो है वो देनी है, सर्विसेज आपने इनसे ली और अभी आपने पेमेंट नहीं की है, तो वो भी आपके क्रेडिटर्स या अकाउंट पेबल की शक्ल इख्तियार करते हैं। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट आ जाता है। कैश डिस्काउंट क्या चीज़ है? कि ऐसा डिस्काउंट जो आप जो है जब कहीं पेमेंट करने का टाइम आता है, मेच्योरिटी डेट आती है पेमेंट करने की, उधार चीज़ें आपने खरीदी थी या बेची थी और उसका मेच्योरिटी का पीरियड आया, तो उस टाइम के ऊपर जौन सा डिस्काउंट या रायत एक खुश होकर दे दी जाती है या ले ली जाती है, उस चीज़ को हम कहते हैं ये कैश डिस्काउंट है। मसलन आपने 30,000 रुपये किसी के देने थे, और देने थे आपने एक महीने बाद, आपने 2 दिन बाद ही जाके उसको 30,000 रुपये दे दिया। अब वो बंदा आपसे खुश हो गया और उसने आपको जो है उसमें से फर्ज करें 2,000 आपको लेस कर दिया। अब ये 2,000 जो लेस किया ये आपका कैश डिस्काउंट कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल और ऑनर्स इक्विटी। इक्विटी और कैपिटल मींस सोर्सेज ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ऑनर टू स्टार्ट और ऑपरेट अ बिजनेस एंटिटी। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है कि ये बेसिकली ऐसे फंड्स होते हैं जो कि मालिक कारोबार के अंदर लगाता है, कारोबार को शुरू करने के लिए लगाता है या कारोबार को चलाने के लिए लगाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये कैपिटल, या इसको हम ऑनर्स इक्विटी भी का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या चीज़ होती है? जो भी ट्रांजैक्शंस हम कारोबार में करते हैं, उन कारोबार की ट्रांजैक्शंस को एक्यूमुलेट करते हुए, उनको क्लासिफाई करते हुए, समराइज करते हुए, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हम तैयार करते हैं और अपना हिसाब किताब को कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन्स पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं, वो सारा एक खास पीरियड के तहत किया जाता है। ठीक है, और वो जो पीरियड होता है उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम अपने माली मामलात मामलात को जो है उसके अंदर हम लेकर आते हैं, डिस्कस करते हैं, उसको हम अकाउंटिंग पीरियड का नाम देते हैं जिसके मतलब का हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू इट इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस टू इट्स कस्टमर। ठीक है, ये क्या चीज़ है कि ये बेसिकली ऐसी चीज़ें जो बेच दी जाती हैं या सर्विसेज जब हम देते हैं किसी भी अपना कोई भी कारोबार जो है जो अपने कस्टमर को सर्विसेज देता है और उसके एंगेजमेंट जो वो चार्ज करता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। नेट इनकम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपेंसेस जो है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं,
नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेपरेट आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट और बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेपरेट आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? इन अकाउंटिंग द बिजनेस इज क्रिएटेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द पर्सन हु ओन इट। ठीक है, यानी कि बिजनेस को हम एक अलहदा ट्रीट करते हैं उस शख्स से जिसने उसको स्टार्ट किया हुआ होता है, जो उसका मालिक होता है। यानी कि मालिक को और कारोबार को हम अलहदा अलहदा ट्रीट करते हैं। कारोबार की एक अलहदा अपनी खुद की पहचान होती है, उसकी अपनी खुद की एक सील होती है, मोहर होती है, स्टैंप होती है। ठीक है, और ऑनर जो होता है वो एक इंटरनल लाइबिलिटी के तौर पर हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसको हम मजीद आगे जाके डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो उसमें आ जाता है वो है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग क्या है? ये ऐसा इम्पार्शल एक कह लें कि रिकॉर्ड जिसके अंदर हम मेंटेन करते हैं अपने माली मामलात के, उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोल देते हैं या सिंगल एंट्री बुक कीपिंग भी बोल दिया जाता है। जैसे अगर आपने किसी अपने रोज़मर्रा की इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं या और इस तरह के जो कारोबार होते हैं उनको अगर आपने देखा होगा, तो वो लोग जो है सिर्फ ऐसे लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अपने पास दर्ज करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन कि जिनसे उन्होंने पैसे लेने होते हैं या जिनको उन्होंने पैसे देने होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड कर किया जाता है। कैश बुक नकद वाले जो मामलात होते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उनको इवन ये भी नहीं पता होता कि उनकी सालाना सेल कितनी हो गई है या उनके उन्होंने कितना टोटल परचेज किया। बस चंद एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि वो उनके इस्तेमाल में वो जो आ जाती है, ठीक है, जिनकी उनको ज़रूरत होती है, बस वो उतना की मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? अ रिकॉर्ड इज मेड ओनली ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। देखिए, हम पीछे डेफिनेशंस के अंदर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है जिसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट होगी, हम उस ट्रांजैक्शन को अपनी अकाउंटिंग का एक हिस्सा बनाएंगे, उसको रिकॉर्ड का एक हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसी चीज़ें मामलात होते हैं हमारे डेली के जो जिनके अंदर लेन देन जो है वो पैसों की शक्ल में नहीं होता, जिनसे हमने उनसे डील ऐसी नहीं होती है, तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो आपकी अकाउंटिंग का पार्ट भी नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर आपने बाकायदा किसी से लेन देन डिसाइड किया हो, ठीक है, जिनसे आपने मॉनेटरी जो है टर्म्स के अंदर आपने उनसे कोई एग्रीमेंट साइन किया हो, तो उस चीज़ को फिर हम अपने अकाउंटिंग का हिस्सा बनाएंगे और इस चीज़ के लिए इस टर्म को फिर हम बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। गोइंग कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है? कि हर कारोबार जो भी शुरू किया जाता है वो किसी खास पीरियड के लिए शुरू नहीं किया जाता उसको, बल्कि एक इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट किया जाता है उसको। आपने 2 साल या 10 साल के लिए शुरू नहीं करते, बल्कि उसको आप जो है एक लंबे इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसी पर्पस के लिए आप अपने कारोबार को मजीद उसके अंदर एफर्ट करते हैं और उसको चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जी आप जो है कारोबार को एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए स्टार्ट करते हैं। ये और बात होती है कि बाद दफ़ा आपने कारोबार स्टार्ट किया और 1 महीने बाद ही वो बंद हो गया। ठीक है, बंद होने के रीजन जो हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आप स्टार्ट जो है वो कारोबार को एक अच्छी नीयत के साथ ही करते हैं और उसको एक लंबे इनडेफिनिट पीरियड के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। An asset is ordinarily entered on the accounting record at the price paid to acquire it. ठीक है ना, यानी कि assets को आप जो है उस price के ऊपर उस कीमत के ऊपर record करेंगे जिस
के ऊपर आपने उसे परचेज किया है, ना कि मार्केट वैल्यू के मुताबिक। मतलब एक प्रॉपर्टी आपने बाजार से खरीदी, तो वो प्रॉपर्टी थी 10 लाख की, लेकिन मार्केट में अगले ही दिन उसका रेट जो है वो 50 लाख हो गया, तो आपने उसको 50 लाख के हिसाब से नहीं रिकॉर्ड करना, बल्कि आपने उसको 10 लाख के हिसाब से ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पीछे, कि कोई भी कारोबार जो होता है उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन की जाती हैं वो एक खास पीरियड के मुताबिक मेंटेन की जाती हैं। ठीक है, वो कोई भी खास पीरियड रखा जा सकता है। नॉर्मली जो है हम इसको 1 ईयर के हिसाब से मेंटेन करते हैं, जिसमें 1 जुलाई से लेकर जून या 1 जनवरी से लेकर दिसंबर या और भी कोई स्पेसिफिक डेट्स जो है वो डिसाइड की जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है कि आपने अपने कारोबार के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, उस इनकम को लेना है जिस इनकम से मुतलका आपने एक्सपेंसेस किए हैं, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं कि उन एक्सपेंसेस को आपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है जिससे मुतलका इनकम होती है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि 2022 के जो आपके खर्चे हैं उसके अंदर से आप 2023 के खर्चे भी माइनस कर रहे हों या 2021 के खर्चे भी माइनस कर रहे हों, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने एक्सपेंसेस को ऑफसेट जो करना है वो उससे मुतलका एक्सपेंसेस होने चाहिए। अगर 2023 की रिपोर्ट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर इनकम भी 2023 की होनी चाहिए और खर्चे भी 2023 के होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जी आप जो है अपने रेवेन्यू को, ठीक है ना, उस टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे जिस टाइम पे वो चीज़ें आपकी बिक जाएंगी या रेंडर्ड सर्विसेज आप रेंडर कर चुके होंगे। आप एडवांस में अभी आपने सर्विसेज देनी है या चीज़ें अभी बेची नहीं है तो आप पहले से नहीं नोट कर सकते, बल्कि आप उस टाइम पे नोट करेंगे जब आप एक्चुअली सर्विसेज या रेंडर अपना चीज़ें आप दे चुके होंगे। डबल एंट्री बुक कीपिंग, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम डिटेल से अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या चीज़ है? द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन हैज टू आस्पेक्ट्स। उसके दो आस्पेक्ट्स होते हैं, रिसीविंग एस्पेक्ट, रिसीविंग अ बेनिफिट एंड गिविंग अ बेनिफिट। ठीक है, इसमें रिसीविंग का और गिविंग का ऑप्शन होते हैं। द अकाउंटिंग सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स बोथ द आस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। फिर हम उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं जिसके अंदर दोनों आस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, और इसी सिस्टम को हम जो है डुअल आस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन भी कहा जाता है। अब इसके अंदर जो एक आस्पेक्ट होता है रिसीविंग से मुतलका जो बेनिफिट जो उठा से मुतलका जो ऑप्शन होता है उसको हम कहते हैं कि उसको हम डेबिटेड का नाम दे देते हैं, और जो प्रोवाइडेड बेनिफिट्स इज जिसमें गिविंग का ऑप्शन होता है उसको हम कहते हैं कि ये क्रेडिटेड है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का नाम दिया जाता है, और इनको नॉर्मली DR को डेबिट से और CR जो है वो क्रेडिट को रिस्पेक्टिवली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा मजीद और डिस्कस करते हैं कि ये अभी हमने जो डिस्कस किया कि दोनों आपके जो डेबिट और क्रेडिट जो होते हैं वो दोनों आस्पेक्ट्स होते हैं, तो ये फिर दोनों इक्वल भी होंगे, यानी कि ये एक इक्वेशन बनती है जिसको हम एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज के हवाले से, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहा जाता है, वो आपकी शक्ल इख्तियार कर देती है। अब इक्विटीज क्या चीज़ है, ये मैंने पहले पीछे डिस्कस की है कि ये इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के ऊपर मुश्तमिल होती है। ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटीज वही जो ऑनर की तरफ से जो सरमाया लगाया जाता है, और एक्सटर्नल वो जो बाहर के लोग जो है वो अपना लोन की शक्ल में या किसी और शक्ल में कारोबार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है,
ये इसकी हमें छोटी सी एक एग्जांपल जो है वो मैं आपकी सहूलत के लिए रिफर कर रहा हूँ। जैसे इसमें मिस्टर ए ने कारोबार स्टार्ट किया है एंड ही इनिशियली इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख, ठीक है, इन कैश फॉर हिज बिजनेस, कि उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है कैश की शक्ल के अंदर, जिसके अंदर से उसने फिर कुछ चीज़ें परचेज की हैं। एक उसने बिल्डिंग परचेज की, फिर फर्नीचर परचेज किया, फिर उसके बाद उसने गाड़ी एक परचेज की है, ठीक है। अब इन चीज़ों को हम अगर रिकॉर्ड करें तो रिकॉर्डिंग करते वक्त हम ये चीज़ें देखते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ है जिसका कारोबार को फायदा हो रहा है, ठीक है, यानी कि कारोबार के अंदर वो रिसीविंग का ऑप्शन जो है वो आ रही है और दूसरी जाने की पोजीशन में जा रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों के हम डिटेल के साथ रूल्स तो बाद में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये मैंने थोड़ी सी एक ट्रांजेक्शन्स जो है वो आपकी स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे बनाई है, ठीक है। जिसके अंदर जो पहली ट्रांजेक्शन है कि जो उसने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, तो उसको हमने यहाँ पर कैश को डेबिट कर दिया और मिस्टर ए को क्रेडिट कर दिया 1-1 लाख रुपए से, ठीक है। फिर उसके बाद बिल्डिंग आपने परचेज की, तो बिल्डिंग को हमने डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। फिर फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर को डेबिट और कैश को क्रेडिट। फिर गाड़ी परचेज की, तो गाड़ी को डेबिट और कैश को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से एक चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि इस तरह की जो सूरत हाल है उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा देखें तो टोटल जो डेबिट अमाउंट हुई है वो 1,75,000 हुई है। इसी तरह उसके अंगेज में जो टोटल अमाउंट जो क्रेड हो रही है वो भी 1,75,000 हो रही है। तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो दोनों हमेशा इक्वल आपको मिलने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। अब इस इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए, इक्वलिटी को हम जो है वो देखते हैं जी कि ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, जिसके अंदर हम डेबिट जो है वो एक तरफ ले लेते हैं और दूसरी तरफ क्रेडिट की जो फिगर्स होती हैं उनको हम ले लेते हैं, ठीक है। और उससे हम जो है वो हम अपना एक बना लेते हैं, इक्वेशन हम अपनी डिवेल्प कर लेते हैं। ये इक्वेशन जो है वो एक्चुअली एक तरह से बैलेंस शीट की शक्ल भी इख्तियार कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ऊपर वाली जो ट्रांजेक्शन हैं इनको हमने एक तरफ डेबिट वाली को ले लिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आ रही हैं डेबिट वाली साइड पे, और दूसरी जो है वो क्रेडिट वाली जो फिगर्स हैं वो आपकी यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, इनको क्रेडिट साइड पे हमने ले लिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और मैंने थोड़ी सी आपकी सहूलत के लिए की है कि हमने पिछली ट्रांजैक्शन के अंदर देखा कि कैश जो है, मैं आपके सामने पिछली ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा रिकॉर्ड करता हूँ कि डेबिट साइड के ऊपर जो है हम कैश यहाँ पर जो है वो 1 लाख रुपए लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो है, और यहाँ पर 75,000 कैश जो है क्रेडिट साइड पे लिखा जा रहा है। अगर हम इस चीज़ को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखें तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने उस चीज़ को थोड़ा सा जो है ना नेट उसका जो एक बैलेंसिंग फिगर है वो निकाली है कि कैश जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर कितना है, 75,000, ठीक है, सेवेंटी फाइव थाउजेंड, ठीक है। और चूंकि उधर लेफ्ट साइड के ऊपर वो 1 लाख था तो फिर वो इन दोनों का जो डिफरेंस हमने निकाला वो 725,000 हमने यहाँ पे उसका डिफरेंस निकाल लिया, और उस डिफरेंस को हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दिया, क्योंकि डेबिट साइड में कैश की जो फिगर थी वो 1 लाख थी, जो कि क्रेडिट साइड की फिगर से 25,000 एक्सीड कर रही थी, तो उसका बैलेंस यहाँ पे निकल गया। बाकी फिगर सारी वो आपकी वैसे ही आ गई और यहाँ पर आपका जो क्रेडिट साइड के ऊपर मिस्टर ए का जो कैपिटल बच गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने 75,000 को जो है इधर
क्रैड साइड के ऊपर सेट ऑफ उसके साथ में कर दिया, ठीक है। और उसके साथ में जितना एडजस्ट हुआ उसके बाद इतनी रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर हमने 25,000 यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब नेक्स्ट आखिरी जो हम एक चीज डिस्कस करेंगे, इस चीज को हम कहते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या चीज होती है कि ऐसे ऐसी रवायात जो एक रूल का दर्जा इख्तियार कर जाती हैं, जब हम उनको बार बार यूज़ करते हैं तो उन चीज़ों को हम कहते हैं कन्वेंशन, जो कि एक रूल की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ वो है वो कंजर्वेटिज्म है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन अकाउंट्स फॉलो द रूल एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ठीक है। कि आप जो है कंजर्वेटिज्म के अंदर आप क्या चीज़ करते हैं कि आप पॉसिबल लॉसेस के लिए तो अपने पास प्रोविजंस जो है वो मेंटेन करते हैं, लेकिन एंटिसिपेट प्रॉफिट को कभी भी नहीं करते हैं। आप पहले से उसको अपनी जो है बुक्स के अंदर नहीं रिकॉर्ड करते, ठीक है, जब तक कि आपको प्रॉफिट हो ना जाए तो। लेकिन पॉसिबल लॉसेस जो फ्यूचर में अगर आपको कोई बैड डेट्स यानी कि ऐसे लोग जो आपको वापस पैसे वापस नहीं करते, उनके हवाले से उन लॉसेस को बर्दाश्त करने के लिए आप अपने पास जो एक प्रोविजंस जो क्रिएट करते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमने इनके पॉसिबल लॉसेस के हवाले से उनको हम रिकॉर्ड का एक हिस्सा बना लेते हैं। फुल डिस्क्लेयर क्या चीज़ होती है कि आपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो मेंटेन करने हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपने अपने रिकॉर्ड जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको आपने मेंटेन करना है, और इतना एलेबोरेट करना है, उसका मुकम्मल डिस्क्लेयर होना चाहिए, उसको डिस्क्लोज करना है, शो ऑफ करना है। किन के लिए? स्टेक होल्डर्स के लिए, जिसके अंदर जो है वो आपके लेंडर्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर आपके जो है वो क्या नाम है कस्टमर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोग जो है वो उसमें हो सकते हैं। तो आपने एक कंप्लीट पिक्चर उसको देनी है, फुल डिस्क्लेयर उसके अंदर शो करना है, जिसको हम नोट्स ऑफ अकाउंट्स की शक्ल में भी शो करवा सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं उसके अंदर भी उनको दिखाया जा सकता है। फोर थ्री नंबर के ऊपर कंसिस्टेंसी आ जाता है। कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी, यानी कि आप जो पहले साल एक मेथड अडॉप्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे मेथड एक अडॉप्ट किया जाएगा फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, वही आप मेथड जो है फॉर सबसिक्वेंट ईयर्स के हवाले से भी आप अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले साल जो है फ़र्ज़ करें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपने डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड यूज़ कर लिया, उसे नेक्स्ट ईयर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर लिया, तो इस तरह ये नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट पीरियड में कोई और मेथड यूज़ करें और नेक्स्ट में कोई और यूज़ करें। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और चेंज करना चाह रहे हैं तो उसकी सॉलिड रीजंस जो हैं वो अपने एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनानी होगी, और वो भी आपने नोट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उन चीज़ों को प्रॉपरली डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, पे आप अपनी रिपोर्ट्स के अंदर कंसिस्टेंट रहेंगे, रोज़ाना बेसिस के ऊपर कोई रद्दोबदल नहीं करेंगे। नेक्स्ट और आखिरी हमारा है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी सादा लफ्ज़ों के अंदर क्या चीज़ होती है कि आपने अपने कारोबार के अंदर उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है कि जिनका कारोबार को मेंटेन करते हुए फ़ायदा हो, ना कि ये ना हो कि जी आप सारा दिन बैठे जो है वो स्टेपलर्स की पिंस या शॉर्पनर्स या इस तरह की छोटी छोटी स्टेशनरी आइटम्स को काउंट करते रहें और जो अकाउंटेंट की सैलरी है वो लाखों में हो और वो अकाउंटेंट को हमने बिठाया होगा, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों की कैलकुलेशन आप करते रहो, जमा करते रहो उनको, ठीक है, उनका हिसाब किताब करते रहो। तो ये जो चीज़ है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि इससे हमें ज़्यादा नुकसान होगा, फ़ायदा होने की बजाय हमें नुकसान होगा। तो हमें क्या चीज़ है कि मटेरियलिटी कंसेप्ट को जहन में रखते हुए अपनी जो है वो मामलात को जो है वो मेंटेन करना होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर मैंने कोशिश की है कि जो जितने प्रिंसिपल जो हैं या बेसिक जो हमारे जो फंडामेंटल्स रूल्स हैं
उनको मैं आपके साथ थोड़ा सा एक ब्रीफ उनका डिस्कशन आपके साथ में करूं, ठीक है, ताकि हम जब आगे जाएं तो उन चीज़ों के बारे में हम जो है वो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को हम समझ सकें, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग के हवाले से होगा, ठीक है, जिसके अंदर जर्नल्स और इस तरह की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो जितने भी हमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी हैं या अकाउंटिंग कन्वेंशंस या कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ये सारे आगे जाके कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आएंगे। तो आप लोगों ने अभी से ही इन जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आपने समझने की कोशिश करनी है, और रट्टा नहीं लगाना, आपने कोशिश करनी है कि इनको अच्छे तरीके से समझें, ठीक है, ताकि आगे वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं वो आसान हो सके। इन तमाम डिस्कशंस के दौरान अगर आपको किसी जगह पे कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आपने मेरे से एक बिल्कुल किसी चीज़ की कोई हेजिटेशन फील नहीं करनी, तो आपने डिस्कशन जो है वो मेरे से करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ जो है एक ऑनलाइन जो है वो एक सेशन भी रखा जाए, जिसके अंदर आप अपनी जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी आप ऐसे डिस्कस कर सकें, ठीक है। ओके जी, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।